एंड पेज नंबर इज थर्टी टू ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर वन है एंड आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का मैं अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल से बता चुकी हूँ आप क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की वीडियो मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर टीन को करने के लिए मैंने ये रजिस्टर पर लिख दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एटीन क्या है राउंड ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड यानी हमने राउंड ऑफ करना है इन नंबर्स को टू द नियरेस्ट हंड्रेड अब राउंड ऑफ हमने क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में भी राउंड ऑफ़ किया था टू द नियरेस्ट टेन तो आज हम करेंगे टू द नियरेस्ट हंड्रेड तो नहीं, इसको करते कैसे हैं इसको करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले यूनिट्स लिख लेते हैं जैसे हंड्रेड ठ ठ ठीक है सबके यूनिट्स यही होंगे वंस टेंस हंड्रेड तो मुझे किस में चेंजेस करनी है हंड्रेड्स में यानी मुझे चेंजेस करनी है इस नंबर में हंड्रेड में ठीक है तो इसको करने के लिए क्या मेथड है कि हम ये राइट right साइड के नंबर को चेक करेंगे अगर वो हमारे पास फाइव या फाइव से ग्रेटर होगा तो हंड्रेड में वन ऐड हो जाएगा ठीक है अब हंड्रेड के राइट right साइड पर क्या आ रहा है टेंस तो टेंस में कौन सी वैल्यू है जीरो तो जीरो है जो कि फाइव से लेस है तो हंड्रेड में वन ऐड नहीं होगा तो ये कैसे हो जाएगा वन ही आ जाएगा और बाकी हंड्रेड के राइट right साइड पर जितने भी वैल्यूज हैं उनकी जगह हम लोग को लिख देंगे जीरो ज़ीरो ठीक है तो ये मेथड है टू द नियरेस्ट हंड्रेड राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड पार्ट बी पे देखते हैं पार्ट बी हमारे पास है टू हंड्रेड सेवेंटी सिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि हमने चेंजेस हंड्रेड्स में करनी हैं तो हम क्या करेंगे हंड्रेड के राइट right साइड पर चेक करेंगे कि कौन सा नंबर आए यानी टेंथ में कौन सा नंबर आ रहा है सेवन यानी ये फाइव से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे हंड्रेड में वन ऐड कर देंगे तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री एंड बाकी राइट right साइड पर जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो तो ये क्या बन गया थ्री हंड्रेड इसको करने का एक और तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे ये क्या लिखा हुआ है वन हंड्रेड नाइन तो मुझे पता है हंड्रेड में चेंजेस करनी है तो हंड्रेड में ही हमने आगे इसको जंप देना है या तो ये हंड्रेड होगा या फिर टू हंड्रेड ठीक है तो हमें पता है वन कि हंड्रेड नाइन किसके करीब है हंड्रेड के तो टू हंड्रेड के करीब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हंड्रेड से हमारे पास हंड्रेड के ज़्यादा करीब आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे हंड्रेड अब इसी तरीके से देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 276 तो ये मेरे पास 200 के करीब है या 300 के तो हमें पता है कि 276 यानी 250 से भी अबव है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 300 ठीक है दो तरीके हैं इसको करने के तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं पार्ट सी पे आते हैं 895 अब इसको कैसे करेंगे हम चेक करेंगे हमने हंड्रेड में चेंजेस करनी है हंड्रेड प्लेस पर हमारे पास क्या रहा है एट तो हम राइट साइड पर चेक करेंगे कि वैल्यू क्या है नाइन जो कि फाइव से ग्रेटर है तो हम एट में वन एड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एट प्लस वन नाइन बाकी इन दो डिजिट्स की जगह क्या आ जाएगा जीरो जीरो नाइन हंड्रेड अगर हम चेक करें कि ये क्या लिखा हुआ है एट हंड्रेड नाइन्टी फाइव तो हमें पता है कि एट हंड्रेड नाइनटी फाइव कैसे करीब आ रहा है एट हंड्रेड के या नाइन हंड्रेड के गैस करें तो ये हमारे पास आ रहा है नाइन हंड्रेड के तो देखिए हमारा आंसर नाइन हंड्रेड ही है ठीक है अब इसी तरह से पार्ट डी पे आते हैं डी को चेक करते हैं हंड्रेड में चेंजेस करनी है हंड्रेड प्लेस पे क्या है नाइन तो हमारे पास में क्या आ रहा है आप मुझे बताएं कि ये किसके करीब होगा हमें पता है कि ये फाइव से ग्रेटर है तो हम हंड्रेड में हमारे पास क्या हो जाएगा वन ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नाइन प्लस वन क्या हो जाएगा टेन तो हमने यहाँ पर लिखा टेन एंड बाकी इन दो डिजिट्स की जगह ये दो जीरो आ जाएंगे ठीक है तो ये किसके करीब हो गया थाउजेंड के ठीक है क्योंकि मुझे पता है कि नाइन के बाद क्या होता है थाउजेंड होता है ना नाइन हंड्रेड के बाद क्या होता है थाउजेंड तो क्या तो ये नाइन हंड्रेड के करीब होगा या फिर थाउजेंड के करीब तो मुझे पता है कि इट इज नाइन हंड्रेड सिक्सटी थ्री जो कि किसके करीब आ रहा है थाउजेंड के करीब आ रहा है तो मैंने इस यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या आ रहा है तो देखिए हमारा आंसर भी क्या आ रहा है थाउजेंड ठीक है अब सेवन हंड्रेड सेवनटी सेवन इसको, इसको आप लोगों ने खुद करना है ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आई होप कि आप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दुआ में जरूर याद रखें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए अल्लाह हाफिज